अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बहुत ही यम्मी सी मिठाई बनी है जो दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसी है। अगर आप किसी को भी ये खिलाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मिठाई घर पर बनी है और बहुत ही कम बजट में बनी है। अगर आप इस तरीके की मिठाई मार्केट से लेने जाएंगे तो कम से कम 1200-1500 रुपए किलो मिलेगी, जबकि यही मिठाई आप घर पर 100 रुपए किलो में बना सकते हैं, वो भी 15 से 20 मिनट में। और ज़रा देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लुक है इस मिठाई का, कौन कहेगा ये मिठाई घर पर बनी है। तो चलो देखते हैं आयशा के किचन में ये मिठाई कैसे बनी है। ये डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। मैंने एक गिलास शक्कर ली है और इसमें एक गिलास पानी डाल रही हूँ। ये चाशनी हमें नरम ही बनाना है, बहुत जल्दी बन जाएगी चाशनी और बहुत टेस्टी बनती है मिठाई। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत कम वक्त में और बहुत कम बजट में मिठाई बन जाएगी। बच्चे भी बना सकते हैं, इतनी ऐसी रेसिपी है। ये चाशनी हमारी बन चुकी है, अब हम इस चाशनी में फूड कलर मिक्स करेंगे। अब इस चाशनी का ठंडा होने का इंतजार करेंगे, हमें बिल्कुल ठंडी चाशनी चाहिए। ये चाशनी हमें बहुत ठंडी चाहिए तो एक बर्तन में मैंने पानी लिया है और चाशनी के बर्तन को उस बर्तन में रखा है ताकि हमारी चाशनी बहुत जल्दी ठंडी हो जाए। फ्रिज में तो हम इतनी गर्मा गर्म चाशनी को रख नहीं सकते, तो इस तरीके से हम चाशनी को ठंडा कर लेंगे। मैंने ये एक कटोरी कोकोनट पाउडर लिया है, एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और ये दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है फ्रेश क्रीम, वो क्रीम ली है। ये एक बाउल में मैं कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। ये मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। मलाई जब आप दूध में से निकालें तो ये ध्यान रखें कि ये दूध इसमें ना आए, हमें एकदम सूखी सूखी मलाई चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमें ये सब सूखा सूखा ही चाहिए, तो मलाई डालने में ध्यान रखें एक साथ काफ़ी सारी मलाई नहीं लेनी है। अब हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और अगर ड्राई फ्रूट्स आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनली है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। ये मैंने ब्रेड ली है, इस ब्रेड को इस कटर से मैं कट कर रही हूँ। कोई भी शेप हम दे सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है। इसके गुलाब जामुन बन सकते हैं, ब्रेड पुडिंग बन सकती है, कटलेट में भी हम इसको ब्रेड क्रम की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कटर से ब्रेड के पीस कट किए हैं, अगर कटर नहीं है तो हम गिलास और कटोरी से भी कट कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी हम आसानी से कट कर सकते हैं। और भी कोई शेप आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये मैंने सारी ब्रेड के पीस कट कर लिए हैं। अब हमने जो मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर और मलाई का जो मिश्रण तैयार करके रखा था, उस मिश्रण को हम इस ब्रेड पर लगा देंगे और एक दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे। मिश्रण थोड़ा अच्छे से लगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। बहुत जल्दी बन जाएगी मिठाई और बहुत टेस्टी लगेगी।
जब आप अपने घर आए मेहमानों को ये मिठाई सर्व करेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये मिठाई घर पर बनाई है, क्योंकि बिल्कुल मार्केट जैसी दिखने में भी है और टेस्ट में भी है। इसी तरीके से हम इस सारी ब्रेड पर ये मलाई और कोकोनट मिल्क पाउडर का मिश्रण लगा देंगे। ध्यान रहे कि जो हमारे मलाई का मिश्रण है ये सूखा सूखा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अगर ब्राउन ब्रेड लेना चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी हम ले सकते हैं, इस तरीके का शेप भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं। ये शेप भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस तरीके का शेप देना चाहें तो इस तरीके का शेप भी हम दे सकते हैं। इसको बीच में से कट करना चाहें तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हमने जो ब्रेड में जो क्रीम लगा के रखा है इसे लेंगे, इसे इस चाशनी में हमें डिप करना है। चाशनी में से निकालने के बाद हम इसे कोकोनट पाउडर में लपेट लेंगे। ये हमें चाशनी में ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस डालना है और निकालना है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी मिठाई बनेगी ये। हमें बहुत जल्दी इसे चाशनी में से निकालना है। ये मैंने सभी मिठाई तैयार कर ली है। अब हम इसमें ये एक बादाम लगा देंगे। मैंने बादाम को बीच में से दो पीस कट किए हैं। चाहे तो चेरी भी लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी दिख रही है हमारी मिठाई। ये मैं काजू लगा रही हूँ इस पर। आप किसी को भी खिलाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मिठाई घर पर बनी है। आप चाहे तो इस पर ये टूटी फूटी भी लगा सकते हैं, चेरी लगा सकते हैं। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लुक है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।